चलें अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं डायरेक्टली एक्टिंग कॉलर्स के गोरस के बारे में। अब जो डायरेक्टली एक्टिंग होते हैं वो डायरेक्टली जो कि एस्टाइल कोलिन के रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड करेंगे और वो उसकी तरह एक्शन दिखाएंगे। अब इनको हमने क्लासीफाई किया हुआ है दो ग्रुप्स के अंदर बेस्ड ऑन देयर बायोकेमिस्ट्री, इनके केमिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर। एक हमारे पर वो कह रहा है कोलिन एस्टर्स होते हैं, जो हमारे पास कोलिन एस्टर्स, जिस तरह हमारे पास एस्टाइल कोलिन है, विच आर एस्टर्स ऑफ कोलिन, और कार्बोकोल, बिथेनिकोल, ये कोलिन एस्टर्स हैं। और दूसरे हमारे पास होते हैं नेचुरली अकलिंग अल्कोलाइड, जिस तरह निकोटीन है, पायरोकार्पिन है, ठीक है। ये इसने यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है। इसके बाद वो ये कहता है कि जितने भी हमारे पास थेरेपेटिकली हमने जो दवाइयाँ बनाई हैं, उन सब का जो एक्शन होता है वो मोर देन एस्टाइल कोलिन होता है, ठीक है जनाब। उनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मोर देन एस्टाइल कोलिन होती है। और साथ में वो कह रहा है हमारे पास कुछ दवाइयों की एग्जांपल दी हुई, पायरोकार्पिन, बिथेनिकोल, वो कहता है वो जाकर मस्कुलिन रिसेप्टर के साथ ज़्यादा बाइंड करती हैं, यानी वो प्रीफर करती हैं टू बाइंड विद मस्कुलिन रिसेप्टर। तो कभी कभार इनको हम मस्कुलिन एजेंट भी कहते हैं, बट क्योंकि इस पूरे ग्रुप का नाम हमने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट रखा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ मस्कुलिन के साथ बाइंड नहीं करती हैं, उनकी थोड़ी बहुत एफिनिटी तो निकोटिन रिसेप्टर के लिए भी होती है, तो वो फुल स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए हम इनको आमतौर पर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कहते हैं, इन दवाइयों को की बात ही कर रहा है। अब हम पहले बात करते हैं एस्टाइल कोलिन के बारे में। अब एस्टाइल कोलिन के बारे में कहता है ये क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड है, यानी क्वार्टनरी अमीन है। दो तरह की अमीन होती है, क्वार्टनरी अमीन, ट्रिसरी अमीन। ट्रिसरी अमीन का पॉलर ग्रुप छोटा होता है, और क्वार्टनरी अमीन का पॉलर ग्रुप बड़ा होता है तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है, बिकॉज इट इज अ पॉलर कंपाउंड, इट कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। वो बात इसने यहाँ बताई गई। उसके बाद ये कहता है कि ऑल्दो ये हमारे पास आपके पैरासिम्पैथेटिक, सोमैटिक नर्व्स और ऑटोनोमिक गैंग्लियाज के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर मौजूद है, लेकिन इसको हम एज ए दवाई इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसकी दो रीजन से बताएंगे, एक तो उसकी डिफ्यूज एक्टिवेशन है, तमाम रिसेप्टरों को जाकर एक्टिवेट कर देगी, कोई स्पेसिफिसिटी मौजूद नहीं है, और साथ में जो उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत कम है, यानी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट है। क्यों शॉर्ट है? इसलिए शॉर्ट है क्योंकि कोलिन एस्टर्स एंजाइम जो है वो इसको बहुत जल्दी ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद इसने यहाँ पर इसके एक्शन कुछ बताए हुए हैं। अब पहला एक्शन इसने हार्ट के ऊपर बताया हुआ, कह रहा है कि हार्ट रेट को कम करेगी और कार्डिक आउटपुट को कम करेगी। और क्यों कम करेगी? इसलिए कम करेगी क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हमारे हार्ट के ऊपर होते हैं M2 रिसेप्टर्स, और M2 रिसेप्टर मैंने बताया था आपको उनके ऊपर जो टाइप होती है वो GI वाली होती है। GI यानी जी इनहेबिटरी रिसेप्टर होते हैं। GI जो है वो एडेनाइल साइक्लेज को इनहेबिट करता है, और आपके पास साइक्लिक AMP नहीं बनता है, और तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हार्ट रेट आपका कम हो जाता है, कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है। तो वही बात उसने ये यहाँ बताई हुई है कि एस्टाइल कोलिन जब M2 रिसेप्टर के ऊपर हार्ट के ऊपर जाके लगेगी तो वो क्या करवाएगी, वो हमारे पास कार्डिक रेट को कम करवाएगी, ब्रेडिकार्डिया करवाएगी, और कार्डिक आउटपुट भी कम करवा देगी, क्योंकि वो जो आपका SA0 की जो फायरिंग है उसको कम करवा देगी। तो ये बात उसने यहाँ की हुई है। इसके बाद वो कह रहा है ब्लड प्रेशर भी कम करवाएगी। ब्लड प्रेशर इसलिए कम करवाएगी क्योंकि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, उनके ऊपर M3 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और जब आपका M3 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो वो क्या करवाता है, M3 जो है वो GQ कपल रिसेप्टर होता है, और जब वो एक्टिवेट होता है तो वो वहाँ पर ब्लड वेसल्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, वो सॉरी स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है, और स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट भी है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास क्या करेगी, वेस्कुलर स्मूथ मसल को स्टिमुलेट करेगी, और प्रोटीन काइनेज जी की प्रोडक्शन होगी, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी और स्मूथ मसल रिलैक्स करना शुरू कर देंगे वाया फास्फोडाइस्ट्रेज 3 इनहिबिशन, फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम, ठीक है जनाब, जो एंजाइम हमारे पास साइक्लिक GMP को तोड़ता है, ठीक है। स्मूथ मसल्स के अंदर जब साइक्लिक GMP हमारे पास बढ़ना शुरू हो जाती है ना, तो वो रिलैक्सेशन करवाती है। तो ये वो यहाँ से बात की हुई है। अब वो आगे कह रहा है कि हमारे पास एस्टाइल कोलिन की गैर मौजूदगी में हमारे पास जो M3 रिसेप्टर मौजूद होते हैं हमारे एंडोथीलियम के ऊपर, उनका कोई और नॉन फंक्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्रीसिनेप्टिक नर्व एंडिंग्स मौजूद ही नहीं है, वो तभी काम करेंगे जब ऊपर से एस्टाइल कोलिन आएगी बाहर से दी हुई, ठीक है। तो वो ये बात उसने यहाँ बताई हुई है। अब वो कह रहा है कि हमारे पास एट्रोपिन एक दवाई है, वो हमारे पास क्या करती है, इनके एक्शन को रोकती है, वो बेसिकली मस्कुलिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, और वो वैसोडाइलेशन को जाके रोकेगी, जो वैसोडाइलेशन एस्टाइल कोलिन की वजह से हो रही होगी। तो ये बात इसने की है। उसके बाद वो अदर जनरलाइज्ड एक्शंस बता रहा है। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर एस्टाइल कोलिन जो है वो क्या करवाएगी, वो आपकी सैलाइवरी सिक्रेशन को बढ़ा देगी, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को बढ़ा देगी, क्योंकि आपकी गैस्ट्रिक पैराइटिकल सेल्स के ऊपर M1 रिसेप्टर होते हैं, जब वो एक्टिवेट होंगे तो वो उसकी सिक्रेशन बढ़ जाएगी, ब्रोंकल सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी, तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन होने शुरू हो जाएगी। तो ये वही बात इसने बताई हुई है। तो वो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, क्योंकि ये ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन करवा रही है, तो एक दवाई है मिथाकोलिन, उसको वो डायरेक्टली कोलिनर्जिक एगोनिस्ट से उसको हम इस्तेमाल करते हैं अस्थमा को डायग्नोज करने के लिए ड्यू टू इट्स ब्रोंकोकंस्ट्रक्टिंग प्रॉपर्टीज़। तो ये बात की हुई है।
उसके बाद वो कहता है जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक के अंदर एसाइल कोलिन जो है वो आपके डिट्रोजल मसल के टोन को बढ़ा देगी, यूरिनेशन करवाएगी, आइज़ के अंदर हमारे पास सलेरी मसल्स आपके जो सलेरी मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी फॉर द नियर विजन। इसको मैंने इसलिए इतना याद किया क्योंकि पैरासिम्पेथेटिक क्या करवाता है, वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट होता है। तो रेस्टिंग में आपको जो है वो दूर देखने की जरूरत नहीं होती, आप काम होते हैं, कूल होते हैं, तो आपकी आइज अकोमोडेट होती हैं फॉर द नियर विजन। और सिंपैथेटिक में क्या होता है, आपने भागना होता है, आपने दौड़ना होता है, आप अंडर प्रेशर होते हैं, तो आपको फॉर अकोमोडेशन चाहिए होती है। तो क्योंकि ये पैरासिम्पेथेटिक है तो ये आपकी नियर अकोमोडेशन करवाएगी फॉर द नियर विजन। तो ये वही इसने बात की हुई है, ठीक है। वो कंस्ट्रक्शन करवाएगी पिपली पिपली के ऊपर जो स्पिंटर मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से मियोसिस होगा और आई अकोमोडेट करेगी फॉर द नियर विजन। तो ये बात उसने यहाँ बताई भी है। और ये कह रहा है कि एसाइल कोलिन का 1% सोल्यूशन जो है वो हम आई के एंटीनियर चैम्बर में डालते हैं ताकि मियोसिस हो सके और ड्यूरिंग ऑप्थाल्मिक सर्जरी। तो जर्नलिस्ट ने इसका ये यूज़ बताया हुआ है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, हमारे पास ये आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जब भी मस्कुलिनिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप एसाइल कोलिन ज़्यादा दे रहे हैं या कोई भी मस्कुलिनिक एकोन ज़्यादा दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, कॉलिनर्जिक स्टिमुलेशन होगी। कॉलिनर्जिक स्टिमुलेशन में क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, वैसे अब तक पता होगा आप लोगों को कि स्वेटिंग बढ़ जाएगी, लैक्रिमेशन होना शुरू हो जाएगी, पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट करना शुरू कर जाएंगे, यूरिन मतलब सिलियरस उस स्पैज़म में चला जाएगा, नेजल सिक्रेशंस बढ़ जाएंगी, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी और सेलेबेटरी एक्शन बढ़ जाएंगे, जीआईटी की सिक्रेशन बढ़ जाएंगे, जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि रेस्ट एंड डाइजेस्ट है, तो डेफिकेशन बढ़ जाएगी और साथ में ब्रेडिकार्डिया होगा, ये यहाँ बता चुका हूँ, वैसोडायलेशन भी होगी, हाइपोटेंशन होगी, यूरिनेशन होगी। तो जनरलाइज जो कॉलिनर्जिक स्टिमुलेशन वाले इफेक्ट होते हैं वो सारे इसकी वजह से होंगे। तो ये जो सारे एक्शन यहाँ से बताए हैं, तो मैंने यहाँ समराइज कर दिए हैं। थैंक यू वेरी मच, आगे वाली वीडियो में हम आगे की बात करेंगे।